हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल किदमा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम डीके कंवर है। आज से हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, ये पहली क्लास है। आठवीं क्लास की जो एट्थ क्लास है उसकी हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं सोशल साइंस का ओवरव्यू, देखते हैं हम लोग कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सोशल साइंस में दो टाइप के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है और सिविक्स है। हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। तो हम आज पढ़ेंगे राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑफ सक्सेशन एंड अक्योरेंस। बच्चों इतिहास, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास जो ह्यूमन का जो एक्शंस होते हैं, जो मनुष्य के क्रियाकलाप होते हैं, तो उनके जो घटनाएं हैं, उनके एक्शन, उनके क्रियाकलाप और उनके एक्शंस और सक्सेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्शंस का मतलब हो गया मनुष्य का क्रियाकलाप, और सक्सेशन का मतलब होता है अनुक्रम या फिर सिलसिला। तो ये एक प्रकार का एक सिलसिला है जो वर्षों से चली आ रही है मनुष्य के क्रियाकलापों का, जिसको हम लोग किसी रूप में हम लोग पढ़ते हैं या फिर जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इतिहास। तो इतिहास जो है मनुष्य का संपूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक कंटिन्यूअस चलने वाला एक बोलना चाहिए एक घटना है। सो अकॉर्डिंग टू नॉलेज इंटेलेक्ट लर्निंग एंड स्टडी एक्सेट्रा द वर्ल्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री एजेस। सो अकॉर्डिंग टू नॉलेज इंटेलेक्ट लर्निंग एंड स्टडी, तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज मतलब नॉलेज के अनुसार देखते हम लोग। इंटेलेक्ट के अनुसार, लर्निंग के अनुसार और स्टडी के अनुसार, तो ये चार चीज़ें हैं हमारे पास कि मतलब जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन। इन चारों चीज़ की मदद से हम लोग जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने जो हिस्ट्री को जो है वर्ल्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री एजेस, तो उसको हम लोग हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं दिस थ्री आर, वो तीन हिस्ट्री, उनके टाइप्स हैं। हिस्ट्री के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एंशियंट एज, सेकंड इज मिडवल एज, थर्ड इज मॉडर्न एज। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ मॉडर्न ऑफ यूरोप, मतलब जो मॉडर्न यूरोप है, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। यूरोप एक महाद्वीप है, विश्व में सात महाद्वीप हैं। अभी अभी एक और महाद्वीप की खोज की गई है, आठवां महाद्वीप की खोज की गई है। ठीक है, इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। तो राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप मतलब होगा आधुनिक यूरोप का उदय। राइज मतलब होता है उदय होना, फिर
उठ के ऊपर आना। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर हम लोग को तीन पता चल के, हम लोग को तीन जो डिवीज़न है, जो तीन पार्ट है वो, फर्स्ट है एंशियंट एज, सेकंड इज मिडिवल एज, थर्ड इज मॉडर्न एज। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन काल, मिडिवल एज मतलब होता है मध्यकाल, मॉडर्न एज मतलब होता है आधुनिक काल। देखते हैं आगे। दिस डिवीज़न इंक्लूड्स द डिफिनिट एंड सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद मॉडर्न एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो इन इस जो डिवीज़न है, जो थ्री डिवीज़न है, उसमें कौन क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, डिफाइनेट एंड सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। तो एक निश्चित ड्यूरेशन का है ना, उसमें बहुत सारे देशों का, बहुत सारे मतलब विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो उसमें एक डिफाइनेट एंड सर्टेन, तो यहाँ पर उसका मतलब है निश्चित। तो निश्चित समय तक चलने वाला एक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, स्ट्रक्चर मीन्स होता है एक ढांचा या फिर रूप होता है एक। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक निश्चित अवधि तक चलने वाला, निश्चित समय तक चलने वाला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में शामिल हो रही अलॉन्ग विथ मॉडर्न एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो विभाजन जो है, ये जो डिवीज़न है ना, ये जो है, जो बहुत सारे देश हैं उनके जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ढांचे में जो शामिल हो रही है, नए नए प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। चिल्ड्रन मॉडर्न एज इंक्लूड्स दोज फ्रेश ओपिनियन activity and actions which has provided human being with different dimensions of ancient and medieval period along with social values। तो प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, हम आपने लास्ट क्लासेस में आपने एंशियंट और मिडिवल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग को मॉडर्न मॉडर्न वाला जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। तो मॉडर्न एज इंक्लूड्स दोस फ्रेश ओपिनियन, तो मॉडर्न जो एज है मतलब जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक काल है, उसमें क्या क्या शामिल है, फ्रेश ओपिनियन मतलब एक नई विचारधारा, एक्टिविटी, क्रियाकलाप, एक्शंस, प्रवृत्ति, विच हैज़ प्रोवाइडेड ह्यूमन बीइंग विद डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड अलॉन्ग विद द सोशल वैल्यूज। उसने ह्यूमंस को क्या प्रोवाइड किए हैं, डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग दिशाएं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हैं और एक्शंस है, ओपिनियन है, फ्रेश ओपिनियंस है, उसने जो मॉडर्न एज में जो मानव जीवन है उसको प्राचीन काल जो है था अपना एंशियंट एज और मिडिवल एज, उससे जो है अलग
स्टाइल और सोशल वैल्यू दिया है कौन, ये जो अपना मॉडर्न एज है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज देखते हैं। तो मॉडर्न एज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या इसमें इसकी खूबियां हैं, इसका, जी हाँ उसी बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है इसकी विशेषताएं। तो फर्स्ट देखते हैं, तीन है इसमें। इसमें फर्स्ट देखते हैं रीजनिंग एंड रेशनलिज्म। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, रेशनलिज्म का मतलब होता है बुद्धिवाद। सेकंड है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मतलब होता है मनुष्यवाद या फिर मानववाद। थर्ड है न्यू रिसर्च, मतलब नई नई खोजें। फर्स्ट देखते हैं रीजनिंग एंड रेशनलिज्म। इन दिस एरा एन इंडिविजुअल यूज टू बिलीव एनी फैक्ट ओनली व्हेन ही यूज टू गेट एप्रोप्रिएट रीजन और आर्गुमेंट फॉर दैट फैक्ट। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन यूरोप। इन दिस एरा एन इंडिविजुअल यूज टू बिलीव एनी फैक्ट। तो एरा मतलब होता है युग। तो इस युग में कोई अगर एक व्यक्ति है ना, तो किसी फैक्ट को वो तभी एक्सेप्ट करता था जब व्हेन ही यूज्ड टू गेट एप्रोप्रिएट रीज़न और आर्गुमेंट फॉर दैट फैक्ट। तो उसको तभी एक्सेप्ट करता था उस फैक्ट को जब उससे वो जो उस जो फैक्ट रहता था ना, उसका जो रीज़न उसको सही लगता था, उसका जो बोलना चाहिए किसी चीज़ का अगर रीज़न है उसको, अगर कोई उसको प्रमाणित कर पाता था, उसको प्रूफ कर पाता था, तभी उसको मानते थे। तो दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन यूरोप। तो इसी वजह से यूरोप में जो है साइंस का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। सेकंड देखते हैं ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मतलब होता है मनुष्यवाद। तो इन दिस एरा इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट। इट इज़ नॉन दैट मीन मैन हैज अनकाउंटेड एबिलिटी इन डेवलपिंग एंड मेकिंग ए डेवलप्ड सोसाइटी। इस युग में मानव की उन्नति है ना, जो इस एरा में क्या हुआ, जो ह्यूमन है उसका डेवलपमेंट हुआ और फिजिकल हैप्पीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए। इन दिस एरा इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट। इट इज़ नॉन दैट मैन हैज़ अनकाउंटेड एबिलिटी इन डेवलपिंग एंड मेकिंग अ डेवलप्ड सोसाइटी। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा मतलब लगा कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसको उन्नति करने में और एक डेवलप्ड, उसको डेवलप करने में और एक डेवलप्ड समाज बनाने में, डेवलप्ड सोसाइटी बनाने में डेवलप्ड सोसाइटी बनाने की उसमें क्षमता है, पूरा क्षमता जो है असीमित है, अनकाउंटेड है, मतलब अनगिनत क्षमता है उसमें समाज को डेवलप करने की। ये हुआ ह्यूमनिज्म। थर्ड देखते हैं न्यू रिसर्च। रिसर्च लोग सोच रहे होंगे कि नई नई रिसर्च, नए नए रिसर्च किए गए, नई नई खोजें हुई होंगी,
तो इसमें क्या है, मॉडर्न एज गेव बर्थ टू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़। ठीक है, तो जो मॉडर्न एज है उसने क्या दिया, जियोग्राफिकल डिस्कवरी है ना, जो हमारे पृथ्वी में खोजे हैं, नए नए देशों को की खोज करना, नए नए जगहों की खोज करना, डेवलपमेंट ऑफ साइंस मतलब साइंस के क्षेत्र में नए नए डेवलपमेंट या नए नए खोज करना, नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इसके वजह से वहाँ पर नए नए एक से एक वहाँ पर इंडस्ट्री का निर्माण हुआ है ना, चीज़ों का नए नए चीज़ों का डेवलपमेंट वहाँ पर और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, एंड न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़, और नए नए राजनीतिक और सामाजिक जो आइडियाज़ हैं, विचारधारा हैं, उन लोग का जो है स्टार्ट हुआ, वो शुरुआत हो गया उस चीज़ का। इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड दैट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट और कंट्रीज चेंज टू प्लेस अकॉर्डिंग टू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो थिंग्स है, ये जो बातें हैं, अलग अलग जो है कॉन्टिनेंटल में, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप हैं और कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जो सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसमें क्या आ रहा था, और हाँ उसमें और चेंजेस भी आ रहा था, हर समय एक जैसे नहीं रहता, चेंज होते रहता है, तो जो चेंज हो रहा था उसी के बेसिस पर है ना, उसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न एज है वो पुराने जो एंशियंट वाले जो हमारे कल्चर्स हैं उसको छोड़ करके, मतलब एक नया एक मॉडर्न समाज बनाने के लिए उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए विचारधारा हैं, उसको हर जगह में नए नए रिसर्च हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूरोप मॉडर्न एज स्टार्टेड इन बिटवीन 15th and 16th century। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में मॉडर्न एज कब स्टार्ट हुआ, बिटवीन 15th, एक मिनट रुकिएगा, बिटवीन 15th and 16th century। इसका मतलब यह है कि जो 15th और 16th century था उसी समय यूरोप में जो मॉडर्न एज है उसका स्टार्ट हो गया, वहाँ से वो लोग मॉडर्न एज में प्रवेश कर गए। वेरियास इन इंडिया मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन 18th century। इसका मतलब ये है कि भारत में मॉडर्न पीरियड जो है, जो हमारा भारत में जो आधुनिक इतिहास बोलना चाहिए, आधुनिक काल जो बोलना चाहिए, वो 18वीं शताब्दी 18th century में स्टार्ट हुआ। इट मीन्स दैट इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड डिड नॉट स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द होल वर्ल्ड टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड इट इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इट मीन्स दैट इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड डिड नॉट स्टार्ट द सेम टाइम इन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि है ना, जो इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड है, जो मॉडर्न पीरियड का जो काल है वो सेम टाइम जो है पूरे वर्ल्ड में
स्टार्ट नहीं हुआ है ना, एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ है पूरे विश्व में, हर जगह अलग अलग हुआ है। जैसे यूरोप में 15, 16, 15, 16 सेंचुरी में हो गया, और इंडिया में जो है 18 सेंचुरी में हुआ। तो टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो हमको ये जो हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए है ना, तो ये जो मॉडर्न एज है उसका हम लोग को हिस्ट्री जानने के लिए हमको जितना भी हमारे पास जो सोर्स चाहिए उसका होना ज़रूरी है, जिससे हम लोग हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो हमको जो हिस्ट्री का जो सोर्सेस है, डिफरेंट जो सोर्सेस है, उसके बारे में हमको लर्न करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सोर्सेस एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर नॉट प्लेंटी, बट टू गेट देम इन इज ईजी। इन मॉडर्न पीरियड डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स आर प्रिजर्व सेफली बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो जो हिस्ट्री का जो हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम लोग बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारे सोर्स होते हैं उसको, उसके ज़रिए हमको हम लोग को कंटेंट जो है मिलता है। इसे प्राप्त करना भी अधिक आसान है, मतलब बट टू गेट देम इसी हम लोग को आसानी से मिल जाता है, जो सोर्सेस हैं हम लोग को आसानी से मिल जाते हैं। इन मॉडर्न पीरियड डॉक्यूमेंट एंड पेपर आर प्रिजर्व सेफली बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो जो मॉडर्न पीरियड है, अभी का जो टाइम है, उसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और पेपर्स हैं सभी सेफ्टी से गवर्नमेंट के ऑफिसेस में रखा हुआ है और रखा जा रहा है। इसमें इन दिस एज बुक्स आर नॉट ओनली प्रिंटेड और रिटन, बट सम बुक्स आर रिप्रिंटेड, दे आर ओके यहाँ तक देखते हैं। इसमें से इस एज के जो बुक्स हैं वो न केवल प्रिंटेड किए गए, लिखे भी गए, प्रिंटेड प्रिंट भी किया गया, लिखे भी गए, और कुछ बुक जो है रिप्रिंट किए गए, मतलब दोबारा उसको रिप्रिंट किया गया ताकि वो नष्ट ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर लाइक नावल, बायोग्राफीज, ट्रेवलॉग एक्सेट्रा। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के लिटरेचर्स हैं, जैसे नावल्स हो गया, उपन्यास, बायोग्राफी हो गया, ट्रेवलॉग हो गया। तो ये जो है उपन्यास हो गया, बायोग्राफी मतलब किसी का एक आत्मकथा हो गया, ट्रेवलॉग मतलब उसकी जहाँ पर ट्रैवल किया गया उसका जानकारी एक्सेट्रा। अलॉन्ग विद डेली न्यूज़पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर नोइंग मोर। यहाँ तक कि जो इसके साथ साथ जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़पेपर उस ज़माने में आते रहे होंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट वस्तु है हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक। नोइंग मोर अबाउट हिस्ट्री के लिए, अबाउट मतलब उसके बारे में जानने के लिए। एंड ऑल्सो देर आर सम पीपल हु आर विद अस एक्सपीरियंस्ड एंड द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस और हैव टेकन पार्ट इन रिवॉल्यूशन, दे गिव अस मोर वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। एंड ऑल्सो देर आर सम पीपल हु आर विद अस, और ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ
हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जो हमारे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, मतलब जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए और बहुत सारे जो घटनाएं हुई इसको अपनी आँखों से देखे हैं, है ना। तो उसमें एक्सपीरियंस द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस और हैव टेकन पार्ट इन रिवॉल्यूशन, तो जिन्होंने उसमें पार्ट लिया था, जिसको जो भी इंडिपेंडेंस के लिए हमारे घटनाएं हुई हैं उसमें पार्ट लिया, वो हमारे बीच अभी भी हैं। दे गिव अस मोर वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, वो हमें एक मौखिक जानकारी दे सकते हैं। वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब अपने खुद के द्वारा वो दिए हैं, बहुत सारे लोग वो लोग देते हैं हमको जानकारी। तो हम लोग देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन, सॉरी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर फॉलोज। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एंड इट्स सोर्सेस, तो हमारे पास जितने भी हिस्ट्री के लिए जितने भी सोर्सेस हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, हम लोग को कहाँ से पता चलता है, तो हमने हमारे पास सोर्स हैं जिसकी वजह से हमको जानकारी मिलती है। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर है रिटर्न हिस्ट्री, सेकंड है वर्बल हिस्ट्री, थर्ड है मॉडर्न कम्युनिकेशन और फोर्थ है मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब इनके बारे में ज़रा देखते हैं। फर्स्ट है रिटर्न हिस्ट्री। रिटर्न हिस्ट्री में मतलब जो लोगों के द्वारा लिखा गया होगा, तो डिफरेंट लिटरेरी कंपोजिशन, बायोग्राफिक मेमोरीज, नॉवेल्स। तो लिटरेरी कंपोजिशन मतलब होता है कि साहित्यिक रचनाएं, बायोग्राफिक मतलब होता है उसका जीवनी, बायोग्राफिक मेमोरीज मतलब जीवनी संस्मरण, नॉवेल्स मतलब होता है उपन्यास। सेकंड देखते हैं वर्बल हिस्ट्री। वर्बल हिस्ट्री मतलब होता है कि उन्होंने हमें अपने अपने द्वारा ही खुद ही बताया है, तो एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल फोक स्टोरी आई विटनेस, तो लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, देखा है, उनका एक्सपीरियंस है, उसके द्वारा भी हम लोग उनके उनके जो बताई गई बातें हैं उनको हम लोग लिख करके रख लेते हैं। थर्ड है मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन मतलब होता है मॉडर्न आधुनिक संचार के साधन जो है, रेडियो, टीवी, फिल्म, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट एक्सेट्रा। मॉडर्न आर्किटेक्चर में देखते हैं, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर मतलब होता है बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनी है उनको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो जिसमें से हम लोग देख सकते हैं हमारे टाउन प्लान ऑफ न्यू दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ मुंबई, म्यूजियम एट मुंबई, महंत घासीदास म्यूज़ियम इन छत्तीसगढ़ रायपुर। तो जो हम लोग को जितने भी बिल्डिंग्स दिखते हैं ये सब हम लोग का सबूत है इतिहास का। जी हाँ हाँ, इसमें जो रिटर्न हिस्ट्री है उसमें और नीचे में और थे, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ दिए थे अभी। डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली जर्नल्स, मैगजीन्स। तो जितने भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं,
न्यूज़पेपर है, चाहे वो वीकली आते हों चाहे मंथली आते हों, थर्ड क्वार्टरली छपने वाले, नाइट को छपने वाले जितने मैगज़ीन हैं वो सब भी इसमें यूज़ किए गए हैं। हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबूत के तौर पर या फिर सोर्स के तौर पर, लास्ट है अपना रिलीजियस लिटरेचर बाय डिफरेंट रिलीजियस सेंट थिंकर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर। तो जितने भी हमारे रिलीजियस लिटरेचर हैं, मतलब धार्मिक जो ग्रंथ हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन हैं, धर्म हैं, उसके संत महात्माओं ने उसके बारे में लिखा है, तो उससे भी हम लोग को पता चलता है। ऑल्सो आवर यूजफुल थिंग्स एंड अप्लायंसेस यूज्ड बाई अस इन आवर डे टू डे लाइफ आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्लास। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड, जो अगला क्लास होगा उसमें देखेंगे बैकग्राउंड, रिनाइसेंस ऑफ यूरोप। आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इस वजह से मैं थोड़ा रुक रुक करके पढ़ाया मैं, तो उसके लिए थोड़ा अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।